दोस्तों, पुराने ज़माने और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी नई बात मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए ये बात आज सोच रही थी कि जब पुराने ज़माने में, यानी कि हमारे मॉम डैड या फिर हमारे दादा परदादा कोई जॉब करते थे या फिर कोई भी बिज़नेस करते थे, तो उस चीज़ को करने में बहुत सारी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। लाइक किसी चीज़ को बेचना है, हालांकि तब का सिनेरियो और अब के सिनेरियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी तब। लेकिन ऐसा भी है, तब आशाएं हमारी इतनी नहीं होती थी, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी तमन्नाएं इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। आज तमन्नाएं भी बढ़ गई हैं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ऐसे में आजकल मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हर कहीं काम करती है। लाइक अगर आपको अपना थॉट एक्सप्रेस करना है तो आप उसको FB में डाल देते हैं, आई एम फीलिंग क्रेजी, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, या फिर पिक्स अपलोड कर देते हैं ताकि लोगों के साथ अपने आप विचार व्यक्त कर सकें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आप लिख देते हैं जो कुछ देर बाद किसी सोशल साइट पर ट्रेंड करने लग पड़ती है। वैसे ही मुझे लगता है कि बिज़नेस के साथ भी है। बिज़नेस में भी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी प्ले करती है मार्केटिंग। आप अपने बिज़नेस को जिस तरह से उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसको बेचेंगे, अपने सामान को बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके नहीं बताएंगे, तब तक मुझे लगता है कि आपका बिज़नेस उस हद तक नहीं जा सकता है। अब एग्जैजरेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप कस्टमर को बेवकूफ़ बनाएं, ये एक सिर्फ स्ट्रैटेजी है, या फिर कह सकते हैं कि ये मैनिपुलेशन है किसी भी चीज़ को करने का, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और लेकिन मार्केटिंग करने के बिना अलग अलग स्किल्स हैं, और ये मार्केटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो, ये पता करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके स्किल्स के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के जरिए जानकारी देंगे। आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्या आपको भी अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करना आती है, या फिर कौन सा ऐसा मार्केटिंग स्किल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके स्किल्स को भी जानें और हम भी जानें कि ऐसा कौन सा आइडिया है आपके पास जिसके ज़रिए दूसरे लोगों का भी बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के वीडियो पर। अगर आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बिज़नेस का प्रमोशन करना चाहते हैं तो आपको बहुत सी बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अपने कस्टमर को पहचानें। प्रमोशन करने से पहले जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह से जान लें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कपड़े से जुड़े बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी कंपनी का उत्पाद किस तरह के लोग पहनना पसंद करेंगे। उसके हिसाब से ही टारगेट ऑडियंस बनाकर आप किसी भी तरह का प्रमोशन अपने लिए चुन सकते हैं। सही तरह के प्लेटफॉर्म। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया साइट की कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपने ब्रांड के बारे में लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, और इस तरह की साइट प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपको अपने बिजनेस के हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का चयन करना होगा। अगर आपके पास एक टारगेट ऑडियंस का डेटा है जिससे पता रहे कि आपका प्रोडक्ट किस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके हिसाब से आप सोशल मीडिया का चयन करते हुए लोगों तक सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। कैलेंडर का निर्माण। सोशल मीडिया के जरिए प्रमोशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक कैलेंडर पहले से बना होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप तुरंत किसी भी तरह का कंटेंट या किसी भी तरह की एड बनाकर प्रमोशन शुरू कर देंगे, तो वो कभी लोगों पर वैसा असर नहीं कर पाएगी जैसा कि आप चाहते हैं। इसलिए हो सके तो हर एक सोशल मीडिया चैनल के लिए आप अलग तरह का कैलेंडर बनवाएं। बहुत ज्यादा और डायरेक्ट प्रमोशन करने से बचें। बहुत से व्यापारी 1-in-7 रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट डाल रहे हैं, उनमें से एक पोस्ट ही ऐसी होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को लेकर डायरेक्ट प्रमोशन कर रही हो। बाकी 6 पोस्ट इस तरह से होनी चाहिए कि आपके बिजनेस के बारे में बताएं तो, मगर पूरा डायरेक्टर तरह से नहीं। उसमें किसी ना किसी तरह या कुछ इन्फॉर्मेशन को रखने की कोशिश करें ताकि लोग रुक कर आपकी पोस्ट देखें और उसके बाद आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस के बारे में सर्च करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि वीडियो कंटेंट इमेज या दिए गए लिंक के मुकाबले बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय है। वीडियो कंटेंट लोगों पर अपना असर ज्यादा दिखाता है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपने बिजनेस के बारे में वीडियो शेयर करने की कोशिश करें। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो फॉर्मेट को ज्यादा से ज्यादा अपनी न्यूज फीड में जगह देते हैं। क्वालिटी पर ध्यान दें। हमेशा ध्यान रखें कि सोशल मीडिया जगत में जो दिखता है वही बिकता है। आपका प्रोडक्ट भले ही कितना अच्छा हो, अगर आप उसको सही तरह से लोगों के सामने सोशल मीडिया पर नहीं दिखा पा रहे, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट होते हुए भी उससे बिकने या आगे बढ़ने का स्कोप कम हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप जिस भी तरह की एड सोशल मीडिया पर चला रहे हैं
या जिस भी तरह से सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। बेकार की पोस्ट करने से बचे। हमेशा ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पर प्रमोशन करते हुए आपको प्रोफेशनल रहना है। भले ही आपको बाकी बिजनेस या बाकी लोगों को लेकर अलग तरह की पोस्ट देखने को मिल सकती है, पर आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि आप यहाँ पर प्रोफेशनल तौर पर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आए हैं। इसलिए किसी भी तरह के पर्सनल कमेंट, किसी भी तरह की पर्सनल पोस्ट करने से बचे। ये आपके बिजनेस में सिर्फ नेगेटिविटी ही लाता है और कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की ग्रोथ में अड़ंगा डालता है। समस्याओं का समाधान। हमेशा ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने के बाद आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक का सामना करना होगा। पॉजिटिव फीडबैक हर किसी को अच्छा लगता है, पर हमेशा ध्यान रहे नेगेटिव फीडबैक ही ऐसा है जो आपके बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम आता है। इसलिए अगर आपको अपने कस्टमर की तरफ से किसी भी तरह का फीडबैक मिल रहा है तो जल्द से जल्द उसका समाधान करने की कोशिश करें। कम्युनिटी का निर्माण करें। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा गया है कि एक ही तरह की चीजों में दिलचस्पी रखने वाले लोग एक दूसरे से जुड़ना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर हो सके तो अपने बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को एक कम्युनिटी में जोड़ने की कोशिश करें। जितने ज्यादा लोग आपकी कम्युनिटी में होंगे उतने ही लोग आपके बिजनेस और आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिखाएंगे। फेसबुक में भी आजकल कम्युनिटी बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहाँ पर आप बहुत आसानी से अपने बिजनेस का पोषण कर सकते हैं। सभी तरह की बातचीत पर ध्यान दें। आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की भी बातें हो रही हैं, आपको उन्हें अच्छी तरह से मॉनिटर करते हुए उन पर अपना कमेंट देने की जरूरत है। जहाँ जरूरत है वहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित करें और अपने प्रोडक्ट की तरफ जुड़ने के लिए कहें। सोशल मीडिया टूल्स का करें इस्तेमाल। आजकल मार्केट में बहुत ही उचित दामों पर ऐसे बहुत से टूल्स मिलते हैं जिनके जरिए आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें फायदा ये रहता है कि आप किसी भी समय अपनी पोस्ट को अपने पेज पर डाल सकते हैं। ऐसे में अगर आपका टारगेट ऑडियंस आपका देश ना होकर पूरा देश है तो भी आप अपनी पोस्ट को उनके हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करने से परहेज ना करें। इन सब सोशल मीडिया टेक एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बस आपको जरूरत है अच्छी तरह से चीजों को प्लान करने की। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े। आपका बिजनेस भले ही छोटा हो या बड़ा, सोशल मीडिया टूल्स और सोशल मीडिया प्रमोशन हमेशा ही आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। आपको शुरुआत में सब तरह के प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटे छोटे स्तर पर कीजिए और उसके बाद पूरी जानकारी होने के बाद आप अपने एरिया को बढ़ा सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।